दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने कोरोना वायरस के फैलाव का इल्जाम एक पर दबा फिर से चीन पर आयद कर दिया। ट्रंप की जानिब से कहा गया कि कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने और इसकी वजह से आलमी मईशत की तबाही का जिम्मेदार चीन है। अमरीकी सदर ने चीन को एक बार फिर से कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने और इसकी वजह से आलमी मईशत की तबाही का जिम्मेदार चीन है। इससे पहले सदर ट्रंप ये इल्जाम भी आयद कर चुके हैं कि चीन ने उन्हें इलेक्शन हरवाने के लिए कोरोना वायरस फैलाया। ट्रंप का मजीद कहना था कि अमेरिका इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर लेगा। सदर ट्रंप का ये दावा उस वक्त सामने आया जब हाल ही में उन्होंने खुद वैक्सीन की तैयारी के लिए फंड्स की कमी पर तशवीश का इजहार किया था। सदर ट्रंप ने ये भी इंकशाफ किया कि एक मोहतात अंदाजे के तहत कोरोना वायरस वबा में 1 लाख से ज्यादा अमरीकियों की जाने चली जाएंगी। इससे पहले अमरीकी सदर ने इस हवाले से दावा किया था कि इस मोहरिक वायरस से अमरीका में 60,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो सकते हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमेरिका है, जहां इस मोहलिक वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 70,000 के करीब जा पहुंची है, जबकि 1.25 लाख से ज्यादा अमरीकी इस वायरस से मुतासर हुए हैं।